हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीसीसी नवीन आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में डिफरेंट टाइप्स के ऑरिजिनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि ये कितने टाइप का होता है और उन दोनों में क्या डिफरेंस है इस बात को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है तो देखिए क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज ए नेटवर्क क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक नेटवर्क है और वी कैन से ये एक सिस्टम है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में बताता है कि डिफरेंट लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज की ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स की क्या क्या जॉब पोजिशन है उनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उन लोगों को क्या क्या अथॉरिटी प्रोवाइड की गई है बेसिकली ये स्पेसिफाई करता है क्या एक रिलेशन किसके बीच में पीपल वर्क एंड रिसोर्सिस के बीच में इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करके समझते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ऑपरेशंस को बताता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा सिस्टम जो बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को इंश्योर करता है जो रेस्पॉन्सिबिलिटी पर एक चेक लगाता है यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है उसको देखता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा सिस्टम एक ऐसा नेटवर्क जो ऑर्गेनाइजेशन के पूरे वर्किंग स्टाइल के बारे में एक आइडिया एक फेयर आइडिया हम लोगों को प्रोवाइड कर देता है ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा सिस्टम ऐसा नेटवर्क ऐसा फ्रेमवर्क जो ह्यूमन फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोरिलेशन को अलाउ करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा नेटवर्क ऐसा सिस्टम जो हमें बताता है कि एक मैनेजर कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है सो so, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे सिस्टम सिस्टम को ऐसे नेटवर्क को ही क्या बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और हम ये सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मैनेजर क्या करते हैं कुछ नेटवर्क को कुछ सिस्टम को डेवलप कर लेते हैं उसे सिस्टम को हम बोल देते हैं क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अब ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ये ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी क्यों है आइए देखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन organization में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से हमें बहुत सारी बातें पता चलती है एक और नई बात पता चलती है जिसको हम क्या बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इसको भी समझेंगे सबसे पहले हमने क्या समझ लिया हमने समझ लिया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कि ये सिस्टम है ये एक ऐसा, system है, ये एक ऐसा framework है जिसमें हमारे जो मैनेजेरियल हैं हमारे जो ऑपरेशनल टास्क हैं वो क्या किए जाते हैं परफॉर्म किए जाते हैं और साथ ही साथ ये हमें क्या बताता है ये हमें बताता है ऑर्गेनाइजेशन में स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में में अब ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को एक शेप देता है ध्यान से सुनिएगा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट अगर सही होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन organization का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सही से काम करेगा अब इन दोनों को और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट देखिए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि एक मैनेजर या एक सुपीरियर कितने एम्प्लॉयज को या कितने सबोर्डिनेट को कंट्रोल कर सकता है कितने लोगों को वो अपने अंडर मैनेज कर सकता है सो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स हाउ मैनी एम्प्लॉयज और सबोर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय वन मैनेजर और हाउ मेनी सबोर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय वन सुपीरियर तो देखिए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल भी इसको बोल देते हैं क्या बताता है ये ये बताता है कि एक बंदा एक मैनेजर एक सुपीरियर कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है कितने लोगों को मैनेज कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो स्पैन ऑफ जो मैनेजमेंट है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है या स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को एक शेप प्रोवाइड करता है तो हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था हमने, पढ़ा था, हमने समझा था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा नेटवर्क है ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट जॉब डिफरेंटिशन रेस्पॉलिटी और अथॉरिटी का पता चल जाता है है ठीक इससे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का भी पता चलता है कि भाई एक बंदा कितने लोगों को कंट्रोल कर रहा है ठीक है और क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की इसकी सबसे पहले इंपॉर्टेंस हम देखते हैं तो वो क्या है जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइज करता है क्या ऑर्गेनाइज करता है ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस या फिर हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन का जो कम्युनिकेशन होगा उसका बेटर फ्लो किस तरीके से होगा उस बात को इंश्योर करता है हमारा क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल अगर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर लेकर के चल रहे हैं यानी फंक्शन के बेस पर हमने एक्टिविटी को डिवाइड कर लिया है हम अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं तो उस फंक्शन से रिलेटेड सारा का सारा फ्लो उसी डिपार्टमेंट में होगा तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको उसमें कैसा डेवलप करना पड़ेगा फंक्शनल टाइप का डेवलप करना पड़ेगा जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का बेटर फ्लो हो जाएगा सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑर्गेनाइज करता है ऑर्गेनाइजेशन में क्या बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नेक्स्ट इज ए क्लियर स्ट्रक्चर मेक्स इट इज़ी टू चेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्ट ऑफ बिजनेस मतलब अगर अगर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेटर है तो क्या होगा इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई किस बंदे की ऑर्गेनाइजेशन में क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उन रेस्पॉन्सिबिलिटी को सही से फॉलो कर रहा है सही से उनको फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा है तो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी पर भी एक चेक लगाया जा सकता है किसकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की हेल्प से नेक्स्ट इज ए क्लियर आइडिया अबाउट द वर्किंग स्टाइल ऑफ An enterprise can be shown from organizational structure. हम कह सकते हैं कि भाई देखिए अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बना करके चल रहे हैं एक फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करके चल रहे हैं तो उसको देखते ही हमें ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग स्टाइल के बारे में पता चल जाएगा कि भाई वो अपने वर्क को किस तरीके से परफॉर्म करवा रही है वो प्रोडक्ट वाइज देख रही है या वो फंक्शन वाइज अपने वर्क को परफॉर्म करा रही है तो इसके बारे में भी एक क्लियर आइडिया हम लोगों को मिल जाता है नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलाउज को रिलेशन एंड कोर्डिनेशन अमंगल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स के बीच में ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में आपको पहले भी बताया था कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैनेजर डेवलप कर रहे हैं मैनेजर जब काम करते हैं तो एक स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है उसी को हम क्या नाम दे रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अभी मैंने बात की थी कि भाई हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फंक्शन के बेस पर भी डेवलप कर सकते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं प्रोडक्ट के बेस पर भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन किस बेस पर काम कर रही है वो प्रोडक्ट बेस पर काम कर रही है प्रोडक्ट बेस पर डिपार्टमेंट तैयार कर रही है या फिर फंक्शनल बेस पर डिपार्टमेंट तैयार कर रही है अगर वो फंक्शन के बेस पर डिपार्टमेंट तैयार कर रही है स्ट्रक्चर डेवलप कर रही है तो क्या होगा उस फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी हमारे फिजिकल जितने भी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे उन सब के बीच में ऑटोमेटिकली कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे एक फंक्शन से रिलेटेड काम कर रहे होंगे अगर हम प्रोडक्ट के बेस पर डिपार्टमेंटेशन तैयार कर रहे हैं स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं तो सभी लोग एक प्रोडक्ट की बात करेंगे तो उन सब में भी हमें देखने को मिलेगा कोरलेशन एंड कोऑर्डिनेशन तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो अलाउ करता है उस डिपार्टमेंट के अंदर कोरलेशन एंड कोऑर्डिनेशन किसके बीच में लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल जिसके बारे में अभी आपको बताया क्या होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल कि भाई एक बंदा कितने लोगों को मैनेज कर सकता है कितने लोगों पर कंट्रोल कर सकता है जब हम डिपार्टमेंट बनाते हैं चाहे वो डिविजनल हो चाहे वो फंक्शनल डिपार्टमेंट हो तब हम ये देखते हैं कि जो मैनेजर बनाया जाएगा जो सुपीरियर बनाया जाएगा उसके अंडर कितने लोग होंगे तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को सही से डेवलप कर रहे हैं तो हमें उसको देखते ही ये पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का स्पैन ऑफ कंट्रोल किस तरीके का है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट किस तरीके का है यानी एक सुपीरियर कितने लोगों को कंट्रोल कर रहा है हर एक लेवल पर सो so, ये थी इंपॉर्टेंस कुछ किसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अब हम दो वर्ड का बार बार यूज कर रहे हैं तो वो क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और वी कैन से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड टू टू पार्ट फर्स्ट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड द सेकेंड वन इज डिविजनल स्ट्रक्चर चलिए पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले किस को फंक्शनल स्ट्रक्चर को सो फंक्शनल स्ट्रक्चर या फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन बेसिकली है क्या वेन द एक्टिविटीज और जॉब्स आर ग्रुप्ड कीपिंग एन माइंड द फंक्शन और द जॉब ट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर और वी कैन से जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं एक डिपार्टमेंट तैयार कर रहे हैं किस चीज़ के बेस पर ऑन द बेस ऑफ फंक्शन मतलब हमने क्या किया हमने फाइनेंस रिलेटेड जितने भी काम थे उनका एक डिपार्टमेंट तैयार कर दिया प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी काम थे उनका हमने एक डिपार्टमेंट तैयार कर दिया मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी काम थे ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड जितने भी काम थे उन सब का हमने क्या किया एक डिपार्टमेंट तैयार कर लिया यानी एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया जिसमें जो सेम टाइप की एक्टिविटी हैं जो सेम टाइप की जॉब हैं या जिनका रिलेशन किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से है उनको एक साथ रख लिया जाता है वहाँ मैनेजर वहाँ सुपीरियर और सबोर्डिनेट अपॉइंट कर दिए जाते हैं सो ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा डिपार्टमेंट जिसके अंदर एक्टिविटीज़ और जॉब ग्रुप की जाती है किस बात को ध्यान में रखते हुए फंक्शन को ध्यान में रखते हुए या जो जॉब हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको ध्यान रखते हुए सो so, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है या जो डिपार्टमेंट बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन ओके सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में सिमिलर टाइप की एक्टिविटी को जो कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड हैं उन एक्टिविटीज़ को अगर एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है एक साथ उनका मिला करके डिपार्टमेंट बना दिया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम फंक्शनल स्ट्रक्चर अब फंक्शनल स्ट्रक्चर बना तो लेती है ऑर्गेनाइजेशन लेकिन फंक्शनल स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस क्या हैं उसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं सबसे पहले देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या हैं So, पहली एडवांटेज है हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर की ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन इसमें काम करने वाले जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो क्योंकि एक ही टाइप की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं वो बार बार उसी काम को रिपीटेडली क्या करते हैं उसी काम को करते रहते हैं इससे क्या होता है उनके अंदर एफिशेंसी आ जाती है उनके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाती है यानी वो अपने काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं और फिर वो इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाती है दूसरा फायदा क्या होता है इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट भाई सिंपल सी बात है कि हमने जो डिपार्टमेंट तैयार किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन तैयार किया है यानी हमने सिमिलर टाइप की एक्टिविटी देखी कि भाई इन सब एक्टिविटी को एक डिपार्टमेंट में रखा जा सकता है तो अगर सारी एक्टिविटी सिमिलर हैं तो उसके अंदर जो काम करने वाले लोग होंगे उनके अंदर अपने आप ही क्या रहेगा कोऑर्डिनेशन रहेगा क्योंकि सबको मालूम है कि भाई हम सबको एक ही डिपार्टमेंट में रहना है एक ही जैसा काम हम लोगों को करना है हर कोई अपने अपने काम में एक्सपर्ट है और सब में कोऑर्डिनेशन इस तरीके से देखने को मिलेगा अगर कोई गलती कर रहा है तो उनका सुपीरियर उनको टोक भी सकता है यानी उनका कंट्रोल करना ईजी हो जाता है क्योंकि वो मेरे ही मैं मान लीजिए मैं सुपीरियर हूँ वो मेरे ही फंक्शन से रिलेटेड काम कर रहे हैं मुझे उनकी नॉलेज है तो मैं उनको बता सकता हूं कि भाई आपको इस काम को किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए यानी कंट्रोल पॉसिबल हो जाएगा अच्छा कंट्रोल हो पाएगा उनके ऊपर और इंप्लॉयज मेरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनके और मेरे बीच में यानी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में और खाली जो सबोर्डिनेट है उन सब के बीच में भी कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा क्यों क्योंकि सब एक ही फंक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है नेक्स्ट इंपॉर्टेंस या एडवांटेज क्या हो सकती है इससे इंक्रीज होती है क्या मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे सुपीरियर एक फंक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी वाले सारे इंप्लॉय को क्या कर रहा है मैनेज कर रहा है तो उसकी मैनेजेरियल स्किल बढ़ेगी और जो हमारे अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं वो अपने अपने काम में स्पेशलाइज हो जाएंगे तो उनकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी यानी मैनेजेरियल और ऑपरेशनल दोनों एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है इसी तरीके से जब हमारा सबोर्डिनेट अपने काम में एक्सपर्ट हो जाता है तो बाद में फ्यूचर में वो उस काम का लीडर भी बन सकता है वो टीम को लीड भी कर सकता है यानी उसके अंदर मैनेजेरियल स्किल सबोर्डिनेट के अंदर भी डेवलप होने लगती है नेक्स्ट हमारी एडवांटेजेस हो सकती है इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट भाई मेरे फंक्शन से रिलेटेड जितने भी सबोर्डिनेट हैं सारे मेरे साथ काम कर रहे हैं मुझे मालूम है कि भाई मेरे अंडर में कौन कौन बंदा क्या क्या काम कर रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही काम को दो बंदे परफॉर्म कर रहे हों इसका मतलब डुप्लीकेसी एफर्ट में नहीं होगी यानी मिनिमम डुप्लीकेशन होगा वर्क का यानी हमारे जो एफर्ट होंगे वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे डुप्लीकेसी कम से कम होगी नेक्स्ट पॉइंट इज इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग अगर मुझे अपने डिपार्टमेंट के लोगों को जो कि मेरे फंक्शन से रिलेटेड हैं मेरे अंडर काम कर रहे हैं अगर मुझे उनको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो मैं उनको ट्रेनिंग इजीली प्रोवाइड कर सकता हूं उनको एक जगह हम इकट्ठे कर देंगे एक ग्रुप में बिठा देंगे क्योंकि सबके सब सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनसे रिलेटेड एक्सपर्ट को बुला करके उनकी ट्रेनिंग करकेजिली कराई जा सकती है वो ट्रेनिंग भी ज़्यादा इफेक्टिव होगी क्योंकि उसमें सेम फंक्शन से रिलेटेड ही आपका एक्सपर्ट आएगा लेक्चर देने के लिए और सेम फंक्शन से रिलेटेड लोग ही उसके अंदर ट्रेनिंग ले रहे होंगे सो इजी और इफेक्टिव ट्रेनिंग हो जाएगी नेक्स्ट इज ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा मेन फंक्शन है उस फंक्शन से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट एक्टिविटी हैं उनके ऊपर पूरी अटेंशन दे पाएंगे अगर हम अपने बॉस की बात करें तो उसने क्या किया उसने डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट लीडर बना दिए तो अब क्या होगा हर लीडर अपने फंक्शन रिलेटेड डिपार्टमेंट के अंदर बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा और ड्यू अटेंशन प्रोवाइड करेगा और जो जनरल मैनेजर होगा जो सुपीरियर होगा सबसे वो सारे फंक्शंस पर भी अपना ध्यान दे सकता है सो so, ये थी फंक्शनल स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस अब देख लेते हैं कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं नंबर वन प्लेसेस लेस इम्पोर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए जब डिपार्टमेंट बनाया जाता है जब स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है जिसमें क्या किया जा रहा है जिसमें एक फंक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी एक साथ रख दी गई फॉर एग्जाम्पल परचेज से रिलेटेड सारा काम एक जगह प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा काम एक जगह कर दिया गया तो होगा क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला सोचेगा कि बस मैं अपने फंक्शंस परफॉर्म कर दूं उसका टीम लीडर सोचेगा मुझे सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से मतलब है दूसरे डिपार्टमेंट से मेरा कोई मतलब नहीं है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हर एक डिपार्टमेंट हर एक जो लीडर होगा अपने अपने डिपार्टमेंट का वो सिर्फ बात करेगा अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने की अपने डिपार्टमेंट के सब ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने की और ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा या फिर उसको अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन हर एक डिपार्टमेंट स्पेशलाइज्ड है अपने खुद के फंक्शन में सो वो दूसरे डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी देंगे ही नहीं दूसरा डिपार्टमेंट अगर कहेगा कि भाई मुझे इस हेल्प की जरूरत है हम उसकी फीलिंग को समझेंगे ही नहीं क्यों क्योंकि हमारा तो मेन मकसद क्या है अपने डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम को दूर करना अपने डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाना अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को परफॉर्म करना हम दूसरे भाई प्रोडक्शन वाला फाइनेंस की क्यों हेल्प करेगा वो कहेगा मुझे अपना प्रोडक्शन का काम करना है फाइनेंस वाला अपना काम करेगा यानी आपस में कोऑर्डिनेशन जो है वो कम हो जाता है तो प्रॉब्लम आती है किस चीज की कोऑर्डिनेशन की नेक्स्ट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी भाई मान लीजिए दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ बंदों की जरूरत है क्या हम अपने डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में बंदों को भेज सकते हैं कि भाई आप उनका काम देख लो नहीं कर सकते क्यों क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के बंदे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बंदा प्रोडक्शन की एक्टिविटी में एक्सपर्ट हो गया उसे फाइनेंस की तो नॉलेज ही नहीं है तो हम अपने डिपार्टमेंट में या दूसरे के डिपार्टमेंट में जल्दी से इंप्लॉयज को बढ़ा नहीं सकते एंप्लॉयज को घटा नहीं सकते सो so, इनफ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है हर एक डिपार्टमेंट के अंदर नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर सेल डिपार्टमेंट चाहता है कि भाई सेल को बढ़ाया जाए ताकि सब कहें कि हाँ भाई इस डिपार्टमेंट ने सेल को बहुत बढ़ा दिया इसके लिए उन्होंने सोचा कि भाई हम डिस्काउंट देना शुरू कर देंगे अब डिस्काउंट देंगे अगर सेल पे तो क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन की सेल तो बढ़ जाएगी बट रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन का घट जाएगा कैसे घट जाएगा भाई सस्ता करके बेचोगे तो प्रॉफिट में कम कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी रेवेन्यू में कमी आ जाएगी तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला कहेगा कि नहीं भाई इससे फाइनेंस घट जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का यानी दोनों में दोनों में क्या होगा यहां पर कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा दोनों अपने अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे और उन दोनों के बीच में अराइज हो जाएगा Next is, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा क्या डिफिकल्ट हो जाएगा अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाए अब अकाउंटेबिलिटी किसकी है यहां हर डिपार्टमेंट वाला दूसरे के ऊपर काम को थोपना शुरू कर देगा दूसरे के ऊपर अकाउंटेबिलिटी डालना शुरू कर देगा कहेगा मैंने तो अपना काम कर दिया था उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपना काम सही से नहीं किया उस मार्केटिंग वाले ने अपने काम सही से नहीं किया उस फाइनेंस वाले ने अपना काम सही से नहीं किया फाइनेंस वाला कहेगा मार्केटिंग वाले ने सही से नहीं किया प्रोडक्शन वाले ने सही से नहीं किया यानी सब एक दूसरे पर पासिंग दमंकी खेलते रहेंगे सो ऑर्गेनाइजेशन के सुपीरियर बॉस के लिए ये बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा कि भाई अकाउंटेबिलिटी को हम किसके ऊपर फिक्स करें सो दीज आर ऑल अबाउट दी डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है कौन सा स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर ये कैसे डिपार्टमेंट के लिए कैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है देखिए ये ठीक है उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ पर ज़रूरी है फंक्शन को डिवाइड करना ये ठीक है उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ पर हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए स्पेशलाइजेशन चाहिए ये ज़रूरी है उन ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर हम सिमिलर टाइप की जॉब को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं ये सूटेबल होता है उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना रही है वो मल्टी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर बेटर होता है और फंक्शनल डिपार्टमेंट बनाना बेटर होता है तो चलिए अब हम समझते हैं दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर है डिविजनल स्ट्रक्चर बेसिकली ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं सो so, क्या है डिविजनल स्ट्रक्चर इसको जरा हम समझ लेते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज जब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ी है और वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं तो हम क्या करते हैं हम एक प्रोडक्ट से रिलेटेड हम एक प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज को एक साथ ग्रुप कर देते हैं यानी फंक्शनल में तो हमने क्या किया हमने एक फंक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी को ग्रुप किया यहाँ पर हम क्योंकि मान लीजिए हम चार प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे एक डिपार्टमेंट इसका एक इसका एक इसका और एक इसका हम चार डिपार्टमेंट मान लीजिए ये है आपका कॉस्मेटिक वाला डिपार्टमेंट ये है मान लीजिए आपका गारमेंट वाला डिपार्टमेंट ये है मान लीजिए आपका आपने सीमेंट वगैरह भी प्रोड्यूस कर रहे हो ये आपका सीमेंट वाला डिपार्टमेंट हो गया और ये आपका अदर वाला डिपार्टमेंट हो गया या आप कह सकते हो कि ये फुटवेयर वाला चलिए हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये फुटवीअर वाला डिपार्टमेंट हो गया तो हमारे पास चार डिपार्टमेंट है कौन कौन से डिपार्टमेंट हमने पहला ले लिया कॉस्मेटिक दूसरा ले लिया हमने फुटवीयर तीसरा ले लिया हमने क्या हमने लिया था हाँ चलिए कॉस्मेटिक हो गया फुटवीयर हो गया गारमेंट हो गया ऐसे ही एक और डिपार्टमेंट चलिए अभी तीनों को ही समझ लेते हैं हमने ये तीन डिपार्टमेंट तैयार कर दिए तो कॉस्मेटिक्स रिलेटेड जो भी लोग होंगे जो भी बंदे होंगे उनको हमने यहाँ पर अपॉइंट कर लिया इस डिपार्टमेंट में उनको स्टैब्लिश कर दिया से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे उनको हमने यहाँ पर ग्रुप कर दिया उन सब लोगों को उनका अलग डिपार्टमेंट बना दिया और फुटवेयर रिलेटेड जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको हमने यहाँ पर उन सब की एक्टिविटी को ग्रुप कर दिया सो जब इस तरीके से नेटवर्क डेवलप किया, किया जाता है इस तरीके से स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए क्या कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए अलग डिपार्टमेंट तैयार कर रहे हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर चलिए आप देख लेते हैं ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन बना रही है ये क्यों बना रही है देखिए सबसे पहली बात जब आप प्रोडक्ट के बेस पर डिपार्टमेंट तैयार करते हैं तो क्या होता है एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी एक्टिविटी आप ही के पास होगी यानी आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी एक्टिविटी को इंटीग्रेट कर सकते हैं आपस में बेटर कोऑर्डिनेशन से काम कर सकते हैं इससे क्या होगा आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएगी यानी प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हम लोगों को देखने को मिलेगी दूसरा क्या फायदा होगा फास्टर डिसीजन मेकिंग क्योंकि भाई एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा काम तो एक डिपार्टमेंट में हो रहा है तो हमारा डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्ट के लिए दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा उसको दूसरे डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी सो वो कोई भी डिसीजन इजीली ले पाएगा सो डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी इससे हमारी फास्ट हो जाएगी नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट एडवांटेज हमारी क्या हो सकती है नेक्स्ट एडवांटेज है हम कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट सो नेक्स्ट एडवांटेज इज अकाउंटेबिलिटी क्योंकि प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी एक्टिविटी तो एक ही साथ है तो जो उस प्रोडक्ट का जनरल मैनेजर होगा सबसे सीनियर जो मैनेजर होगा सारी अकाउंटेबिलिटी हम उसी के ऊपर फिक्स कर सकते हैं हम पूछ सकते हैं कि भाई गारमेंट का जो काम था वो सारा तुम्हारे अंडर था तो गारमेंट का जो काम था उसमें हमें लॉस कैसे हो गया हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं हम उसकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी भाई हमारा डिपार्टमेंट एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी भी काम में किसी भी बंदे को कहीं भी यूज कर सकते हैं और सीधी सी बात क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग हमारी फास्ट है सो हम कभी भी उस डिपार्टमेंट में किसी भी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं किसी भी एक्टिविटी को उसमें घटा सकते हैं किसी भी बंदे को उसमें किसी भी काम पर दूसरे वाले पर भी लगा सकते हैं क्योंकि डिविजनल के अंदर भी तो हम अलग अलग फंक्शन देखेंगे तो किसी भी फंक्शन में हम उनको इंटरचेंज कर सकते हैं नेक्स्ट हमारी एडवांटेजेस क्या हो सकती है नेक्स्ट एडवांटेजेस एक्सपेंशन एंड ग्रोथ नए डिपार्टमेंट ऐड किए जा सकते हैं भाई मैं मैं मान लीजिए मैं कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट देख रहा हूं ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या कर रही है ऑर्गेनाइजेशन को दूसरा कोई दूसरा मान लीजिए स्टेशनरी का डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करना चाह रही है स्टेशनरी का बिजनेस करना चाह रही है तो कर ले मेरे डिपार्टमेंट पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सो ये थी डिविजनल स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस अब देख लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है इसके लिए देखिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होते हैं सिंपल सी बात है ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी तभी ये बन पाएगा तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा होंगे नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट डिपार्टमेंट इसमें हमारे जो डिपार्टमेंट बनते हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस करते हैं वो दूसरे प्रोडक्ट के बारे में सोचते भी नहीं है इसका मतलब एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने से वो दूर हो जाते हैं इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ सब लोग अपने अपने प्रोडक्ट पर ही फोकस करते हैं दूसरे के प्रोडक्ट को कोई देखता भी नहीं है यानी दूसरे डिपार्टमेंट पर इतना ज्यादा फोकस कोई करता भी नहीं है तो एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाती नेक्स्ट हमारी डिसएडवांटेज हो सकती है कॉन्फ्लिक्ट देखिए एक डिपार्टमेंट का कंफ्लिक्ट दूसरे डिपार्टमेंट से हो सकता है कई बार मान लीजिए कॉस्मेटिक वाला फुटवियर वाला और एक तीसरा और डिपार्टमेंट था रिसोर्सेज आए हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम हो रहा है दूसरे के यहाँ ज्यादा हो रहा है हम इल्जाम लगा सकते हैं हम दूसरे के ऊपर कह सकते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्शन हमारे डिपार्टमेंट को हमारे इस कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट को आपने रिसोर्सेज कम दिए दूसरे वाले को ज्यादा दिए उसके यहाँ अगर लॉस हो गया वो भी ऐसे इल्जाम लगा सकता है तो इससे क्या होगा दोनों डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है नेक्स्ट इसमें डिसएडवांटेजेस हो सकती है इंक्रीज इन कॉस्ट यहाँ पर एक्टिविटी में डुप्लीकेसी भी हो सकती है क्योंकि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे काम एक ही साथ हो रहे हैं वहाँ प्रोडक्शन भी हो रहा है भाई कॉस्मेटिक का प्रोडक्शन भी होगा कॉस्मेटिक का आ, क्या बोलते हैं फाइनेंस से रिलेटेड काम भी होगा कॉस्मेटिक का मार्केटिंग से रिलेटेड काम भी होगा सो so वहां पर काम में डुप्लीकेसी हो सकती है जिससे हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो सकते हैं यानी हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है सो so, ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर है ये कहाँ के लिए सुटेबल है कहाँ पर ये अच्छा होता है ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है जो, जो क्या करती हैं जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है जिनको प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या चाहिए स्पेशलाइजेशन चाहिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती है कि भाई हमारा जो डिपार्टमेंट बने उसका अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट हो उसका अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो उसका अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो यानी मान लीजिए कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है मान लीजिए हम आदित्य बिरला ग्रुप को ले लेते हैं रिलायंस को ले लेते हैं रिलायंस के अलग अलग प्रोडक्ट बिकते हैं तो उन्होंने प्रोडक्ट के बेस पर स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है फुटवेयर वाला चाहता है मेरा खुद का डिपार्टमेंट हो मेरा खुद का फाइनेंस हो मेरा खुद का ही मार्केटिंग हो मेरा खुद का ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको ये सारे डिपार्टमेंट अपने ही अंडर चाहिए अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड चाहिए वहाँ पर ये सुटेबल हो सकता है या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रो हो रही हैं और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए सोच रही हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सुटेबल होता है अब देख लेते हैं हम इन दोनों डिपार्टमेंट में डिफरेंस क्या है देखिए जो हमारा डिपार्टमेंट है कौन सा डिपार्टमेंट हमारा हमारा डिपार्टमेंट है फंक्शनल और डिविजनल हम पहले बात करेंगे कौन से डिपार्टमेंट की बात करेंगे हम पहले हम पहले बात करेंगे अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट की देखिए फंक्शनल डिपार्टमेंट में फंक्शनल स्ट्रक्चर जो फॉर्म किया जाता है वो किस बेस पर फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है फंक्शन के बेस पर जबकि डिविज़नल स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है वो प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड होता है नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन फंक्शनल वाले में फंक्शंस रिलेटेड स्पेशलाइजेशन आएगी डिविजनल वाले में प्रोडक्ट्स रिलेटेड स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है फंक्शनल स्ट्रक्चर में रिस्पांसिबिलिटी को फिक्स करना डिफिकल्ट है क्योंकि एक फंक्शन वाला दूसरे फंक्शन के ऊपर दूसरे फंक्शन वाले मैनेजर के ऊपर क्या कर सकता है रिस्पांसिबिलिटी डालने की कोशिश कर सकता है तो इसमें डिफिकल्ट है फिक्स करना क्या सिबिलिटी को जबकि डिविजनल में प्रोडक्ट से रिलेटेड काम तो सारे एक ही डिपार्टमेंट में है तो उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना ईजी हो सकता है नेक्स्ट इज मैनेजेरियल डेवलपमेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है जो मैनेजर होते हैं वो एक ही काम को देखते रहते हैं उसी की वो रिपोर्ट किसको करते हैं टॉप मैनेजमेंट को करते हैं सो so, उसमें बहुत ज्यादा मैनेजेरियल डेवलपमेंट नहीं होता वो सिर्फ डिपार्टमेंट का मैनेजर बन के रह सकता है एक फंक्शन का मैनेजर बन के रह सकता है जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में एक प्रोडक्ट से रिलेटेड फाइनेंस एक प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केटिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्शन सारे डिपार्टमेंट को वही हैंडल कर रहा है इसका मतलब उसके अंदर मैनेजेरियल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा राइज हो सकती है क्यों क्योंकि वो सारे डिसीजन लेने के लिए उसके पास ऑटोनॉमी है नेक्स्ट पॉइंट इज कोस्ट देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर थोड़ा सस्ता है इकोनॉमिकल है डिविजनल में तो प्रोडक्ट वाइज डिफ्रेंशिएशन हो रहा है इसका मतलब उसमें ज्यादा खर्चा किया जाता है कोऑर्डिनेशन फंक्शनल डिपार्टमेंट में फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिफिकल्ट है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंपनी मल्टी प्रोडक्ट बना रही है तो कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है जबकि डिविजनल वाले में अगर कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है तो उनके लिए प्रोडक्ट में आपस में प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना थोड़ा फंक्शनल के मुकाबले कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं इजी होता है ओके okay, सो so ये था हमारा क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर डिविजनल स्ट्रक्चर और डिविजनल और फंक्शनल के बीच में डिफरेंस क्या है ये हमने पढ़ा सो थैंक यू होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक like, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें थैंक यू